हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबकी फेवरेट, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला आइसक्रीम की रेसिपी। गर्मी में हमें आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, खास करके बच्चों को। तो चलिए देखते हैं कि ये आइसक्रीम की रेसिपी कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें 1.5 लीटर मिल्क चाहिए। उसके बाद हमें 1.5 टीस्पून ही हमें GMS पाउडर डालना है। ये देखिए 1/4 टीस्पून हमें इसमें CMC पाउडर डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा। 1.5 टीस्पून हमें इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है और 2 टीस्पून हमें इसमें मिल्क पाउडर डालना है। मिल्क पाउडर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी आपकी आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनेगी। और 1 टीस्पून हमें चीनी डालना है। अगर आप 1 लीटर दूध के लिए बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आप डबल कर दें। स्पून हमें मीडियम साइज का ही लेना है, न बड़ा न छोटा, और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है ताकि कोई भी गुठली इसमें ना रहे। उसके बाद हमें इसे एक पतीले में डाल करके गैस पे डाल देना है और इसे हमें तब तक चलाते रहना है जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम आप 2 स्टेप में बनाना होगा, तो इसके लिए हमें 2 दिन चाहिए। 1 दिन हमें फ्रीजर में रखना है, फिर निकाल के फिर उसे फेंटना है, फिर डालना है। तो ये 2 स्टेप में बनने वाली आइसक्रीम है और बहुत ही टेस्टी है। और जो भी सामान मैंने बताया है सब आप हमारे घर में मिल जाते हैं। GMC और CMC पाउडर आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या कोई भी जहाँ पे केक का सामान मिलता हो तो आप उसे बोल करके ले सकते हैं GMC CMC पाउडर। और एक बार आप इसे ले लें, उसके बाद आप पूरी गर्मी से बनाकर आइसक्रीम खाते रहें और इसका मजा लेते रहें। और फ्रेंड्स, इसे हमें चलाते रहना है ताकि ये पतीले में ना लगे। कॉर्नफ्लोर की वजह से ये पतीले में जाके लगने लगता है, जिसकी वजह से हमारा आइसक्रीम का टेस्ट खराब हो सकता है। तो इसे हमें चलाते रहना है जब तक कि एक उबाल ना आ जाए, ठीक है। ये देखिए, इसमें एक उबाल आ रहा है, तो इसमें अच्छे से हमें उबाल आने देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। अब इसे हम गैस बंद कर देंगे और हमें एयरटाइट कंटेनर में इसे छान लेंगे। इसे छानने के बाद हमें पूरे रूम टेम्परेचर पर ही इसे ठंडा करना है और हर 10 मिनट में इसे हमें चलाते रहना है ताकि इसमें मलाई ना जम जाए। अगर बाय चांस आपका मलाई जम जा रहा है तो आप फिर से इसे छान लें, इसे ठंडा कर दें। पूरे रूम टेम्परेचर पे इसे हमें ठंडा करना है। उसके बाद इसे हमें फ्रीजर में डाल देना है। फ्रिज में ना डालें, फ्रीजर में डाल दें। देखिए, ये जम चुका है, मैंने थोड़ा देर पहले निकाल दिया था ताकि ये ज़्यादा हार्ड ना हो, तो बीट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए हमें एक बीटर चाहिए, हैंड बीटर। बिना हैंड बीटर के आप आइसक्रीम नहीं बना सकते हैं। तो ये देखिए, हैंड बीटर से हमें इसे बीट कर लेना है। पहले हमें कम पे ही बीट करना है, उसके बाद हमें हाई कर लेना है और इसे हमें अच्छे से बीट करना है। इसमें हम 1 कटोरी मलाई डालेंगे। मैंने मलाई घर का लिया है, आप चाहो तो अमूल की भी क्रीम ले सकते हैं, अमूल फ्रेश क्रीम जो आती है वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन होममेड मलाई से भी आप बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने 1 कटोरी घर की मलाई ली है और मैं जब भी बनाती हूँ इसी से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है ये घर की मलाई से भी। और इसे भी हमें अच्छे से बीट कर लेना है ताकि कोई इसमें गुठली ना रहे। और फुल स्पीड पे हमें बीटर को रखना है। ये देखिए, अच्छे से हम इसे बीट कर रहे हैं।
ये वनीला आइसक्रीम है, तो इसके लिए हमें एसेंस डालना होगा, वनीला एसेंस। आप इसी तरह से चाहें तो कस्टर्ड आइसक्रीम भी बना सकते हैं। देखिए ये वनीला एसेंस है, इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस डाल देंगे और फिर हमें इसे बीट करना है। बीट करने के बाद इसे हमें ओवरनाइट रखना है, जैसे हमने पहले रखा था ओवरनाइट जमने के लिए। जब ये जम जाए फिर हमें इसे बीट करना है और इसे फिर से हमें एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रीजर में रखना है ओवरनाइट के लिए। इसे आप अच्छे से बीट कर लें। ये देखिए कोई भी लम्स इसमें ना रहे, और हमें इसे एयरटाइट डब्बे में डाल देना है। डब्बे थोड़ा थोड़ा खाली रखें ताकि ये फूल के जब ऊपर आए अच्छे से ये फूल पाए आइसक्रीम। ये देखिए इसे हमें ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में डाल देना है, और फ्रीजर में डालने के बाद इसे आप फ्रीजर से निकालिए और आइसक्रीम का मज़ा लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा से ये जम चुका है।